हाँ सर, किस तरीके से सर 16 फरवरी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ गौर धर्मशाला में पधारे थे। संगठन की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सर्वसम्मति से मेरे जितने भी अजमेर के अंदर तकरीबन 29 यूनिट्स है, नर्सेज एसोसिएशन है, हमारे राजस्व मंडल है, सहायक कर्मचारी संघ जेलेन है, और ITI है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, हमारे जलदाय विभाग है, और लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल कॉलेज है, जितने भी यूनिट्स जो हमारे अधीनस्थ आती है उन सब के सानिधि से एक मत हो के नवनिर्वाचित PhD है, उनके PWD है, उन सब लोगों ने यूनिटों के अध्यक्ष ने मिलकर मुझे दोबारा 2 वर्ष के लिए जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो हम परसों शनिवार को CM साहब से जो पुरानी पेंशन नई पेंशन लागू हुई उसका आभार व्यक्त करने गए थे। अजमेर से करीब 150 आदमी तीन बस भर के हम गए थे, और उसके बाद हमने आज शपथ ग्रहण कार्यकारिणी का नवगठित का समारोह रखा था, जो हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर अंशदीप जी के सानिध्य में रखा था। साहब हमारे कार्यक्रम में पधारे और सभी हमारे पदाधिकारी जितने भी विभाग के थे उन सब ने शपथ ग्रहण करी है, और एक मत होकर हमने ये प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, कर्मचारी के हित में काम करेंगे। कलेक्टर साहब ने भी पूरा आश्वासन दिलाया है कि मैं आपका महासंघ बहुत अच्छा है, मैं देख रहा हूँ पिछले जिला कलेक्टर राजप्रोहित साहब ने भी उसके बारे में फीडबैक दिया है, श्रीमती आरती डोगरा भी फीडबैक देके गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महासंघ की जितनी यूनिट है और महासंघ के जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो सब प्रशासन के साथ मिल के चलेंगे, दुख सुख में काम आएंगे, और मैं भी पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब भी कोई काम लेके आएंगे तत्परता से उसको कर्मचारी हित में पूर्ण करूँगा।